बसमल अलैक्म वर हमल वर्कू वेलकम टू माई किचन मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एक बहुत ही डिलिशियस चिकन ब्रेड ये हार्टी के लिए एकदम बेस्ट है और मैं आप लोगों के साथ इसकी परफ़ेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी इसकी फिलिंग बहुत ही डिलिशियस होती है जब आप इसका फ़र्स्ट बैट लेंगे तो आपको आइडिया होगा रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप नीम गर्म पानी वन एंड हाफ़ टी स्पून इंस्टेंट ड्राई जीस यानी कि खमीर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साथ ही इसमें कंडा तोड़ के डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दो कप मैदा हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले नमक को मैदे में मिलाएंगे उसके बाद नीचे यीस्ट के साथ मिलाएंगे कभी भी यीस्ट और नमक को साथ में नहीं मिलाना चाहिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हंसबे जरूरत नीम गरम पानी ऐड करते हुए एक नरम सा आटा गूंध के तैयार कर लेंगे तो जी यहाँ पे मैंने एक नरम सा आटा गूँध लिया है आटा थोड़ा स्टिकी भी है इस तरह से देखें सेम इसी तरीके से आपको भी आटा गूँधना है इसमें अब हम ऐड कर लेंगे टू टेबल स्पून ऑयल और ऑयल ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे अब हम डो को थोड़ी सी हाइट पे लेके जाएंगे और इसको बोल में इस तरह से थ्रो करेंगे ये देखें इस तरह हम पाँच मिनट के लिए करेंगे इससे आटा जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो जी यहाँ पे मैंने आटे को तकरीबन पाँच मिनट के लिए इस तरह से गूँध लिया है आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार है अब हम एक बोल को थोड़े से ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे फिर इसमें डो निकालेंगे और फिर डो को कवर करके रख देंगे तब तक जब तक वो साइज़ में डबल ना हो जाए जब तक डो या जो रही तब तक, तक हम तैयार कर लेंगे चिकन फिलिंग तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक हाफ चिकन ब्रेस्ट है तकरीबन टू फिफ्टी ग्राम्स तक का चिकन ब्रेस्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से चिकन को कट करके अब हम चिकन को थोड़े से नमक के साथ पानी में उबाल लेंगे तो जी यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है अब हमें इसको श्रेड करना है तो उसका मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ तो उसके लिए हम सिंपल एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन की मदद से इस तरह से चिकन को हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से बेकरीज़ में चिकन श्रेड होती है और बहुत ही फाइन श्रेड होती है रोलिंग पिन से प्रेस करने के बाद हम हाथों से सिंपल इसको अलग कर लेंगे और बहुत ही फाइन श्रेड हो जाएगी चिकन आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरह से होता है ये अब हम एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन वन टेबल स्पून साथ ही इसमें हम एक प्याज को फाइन चॉप करके ऐड करेंगे प्याज़ को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे जब प्याज सौते हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन और इसको भी सौते कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून फ्लावर यानी कि मैदा और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चिकन की यखनी यानी कि स्टॉक जो कि सिंपल चिकन को उबालते हुए मैंने बचा लिया था अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो यानी कि पहले से ही बॉयल चिकन पड़ी हो तो फिर आप सिंपल यहाँ पे मिल्क ऐड कर ले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बने इसको मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से थिक हो जाएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली वन फोर्टी स्पून पिंक सॉल्ट वन फोर्टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन जो कि हमने श्रेड की थी टू टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस टू टेबल स्पून चिली सॉस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल डिलिशियस सी चिकन फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है इसको हमें ड्राई नहीं करना क्योंकि अभी ये बेक होगी तो अगर हम इसको अभी ड्राई कर देंगे ना तो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो इसको, इसको इसी तरीके से रखना है अब हमारी ब्रेड डो बहुत ही बेस्ट तरीके से राइज हो चुकी है इसको हम पंच करेंगे इस तरह से काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदा इस डो पे डोका पेड़ा बना के निकालेंगे और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे एक रेक्टेंगुलर शेप में तो जी यहां पे हमने डो को रेक्टेंगुलर शेप में बेल लिया है अब हम डो को इस तरह से हाफ में कट कर लेंगे इसके एक तरफ हम चिकन फिलिंग को इस तरह से लाइन में रखेंगे और अब हम फिलिंग को इस तरह ब्रेड में अच्छे से कवर कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पिंच कर लेना है साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी तो इस तरह से मैंने सिंपल इसको बना लिया है अब हम इसको कट करेंगे एक पिज्ज़ा कटर की मदद से तो देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया है अब हम इसको बेक करेंगे तो उसके लिए हम एक बेकिंग ट्रे को ऑयल की मदद से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे इस पर हम इस तरीके से ब्रेड पीसेस को रखेंगे एक नाइफ की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कट लगा लेंगे अब हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से एग वॉश करेंगे और अब हम इसको बेक कर लेंगे वन एटी पर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स के लिए तो जी हमारी बहुत ही डिलीशियस सी चिकन ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी है इसको हम सर्व करेंगे अपने फेवरेट सॉस के साथ और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी ये बन के रेडी हुई है खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस सी चिकन ब्रेड की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज